ये फोड़ के इसमें रायते में पूरा डिप कर देते हैं और ये हमारी कचौड़ी निकल रही है, बनके तैयार हो गई है। इसमें पूरा रायता जो अंदर तक फिल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभी फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में जो वरप खाना चौराहा है वहाँ पे एक शॉप है पंडित जी जलपान ग्रह। यहाँ पर जो पंडित जी हैं ये कचौड़ी सेल करते हैं। अंगली कब से लगा रहे हैं आप अपनी शॉप? 6 साल हो गए सर। किस किस की कचौड़ी देते हैं? आलू और दाल की। अच्छा, आलू और दाल की दो तरीके की कचौड़ी देते हैं। तो यहाँ पर जो पंडित जी हैं ये सब्जी के साथ भी देते हैं कचौड़ी और रायते की कचौड़ी और देते हैं। सबसे इनकी जो खास कचौड़ी यहाँ पर वो रायते की है। ये रायते के अंदर ना कचौड़ी को डिप कर देते हैं, उसके बाद कचौड़ियों को सेल करते हैं। आप कचौड़ियाँ देने के लिए किसका यूज़ करते हैं? कचौड़ियाँ देने के लिए पत्ते हैं मेरे पास जगह। अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ पर कचौड़ी देने के लिए प्लास्टिक के दोने का यूज़ नहीं करते। सबसे अच्छी बात है ये पत्ते का यूज़ करते हैं। जो इनके दोने वो भी पत्ते के रहते हैं। और यहाँ पर जो हाथ साफ करने के लिए ना आप कागज़ का यूज़ करते हैं हर जगह जहाँ भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ना हाथ साफ करने के लिए भी वो पत्ते का यूज़ करते हैं। दावत में जो पत्तल चलती है उस पत्ते का यूज़ करते हैं। आप देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पर खा रहे हैं वो पत्ते के ऊपर ही रख के खा रहे हैं। पत्ते के अंदर रहता है इनका रायता और ये सब्जी। तो अंकल जी सब्जी किसकी रहती है आपकी? आलू की। अच्छा, सिर्फ आलू? आलू है, मटर है और पनीर है और मखाने है। अच्छा, तो ये जो आप मसाले लेके आते बाहर से लाते हैं खुद बनाते हैं? नहीं, खुद नहीं बनाते, ब्रांड चलाते हैं ब्रांड। अच्छा, बाहर से मतलब पिसा हुआ मसाला लेके आते हैं उसी का यूज़ करते हैं। लेकिन आप भीड़ देख के समझ सकते हैं कि इनकी कचौड़ी का टेस्ट कैसा होगा, क्योंकि भीड़ ही इतनी सारी लगी है। रायते के अंदर पूरा डिप कर देते हैं इसको। तो कितना देर तक उसमें छोड़ते हैं रायते में? ज़्यादा 2-4-5 मिनट बस रायता अंदर तक जाता है। दूसरी चीज़ टेस्ट का फर्क है, सिर्फ टेस्ट चेंज करता है। कि जो लोग गर्म नहीं खाना चाहते वो गर्म को ठंडी कराने के लिए भी रायते में डलवाते हैं। और ये हमारी कचौड़ी निकल रही है, बनके तैयार हो गई है। इसमें पूरा रायता जो अंदर तक फिल हो गया है। और ये रहती है इनकी आलू की सब्जी। ये सिर्फ आलू की सब्जी है और उसमें अभी चटनी और डालते हैं। अच्छा, चटनी है ही नहीं। ये मेरी रायते की कचौड़ी बनके तैयार होगी। अभी मैं इसका टेस्ट और बताऊँ किस तरीके का टेस्टिंग की कचौड़ी का। हमारी रायते की कचौड़ी जो है वो बनके तैयार होगी। उन्होंने पूरा रायते में डिप करके रखा था, तो जो रायता है पूरा अंदर तक फिल हो चुका है और काफ़ी मुलायम भी हो गया। सबसे अच्छी बात मेरे को पता है ये लगी कि ये पत्ते का यूज़ करते हैं कचौड़ी देने के लिए। मैंने मतलब जितनी भी जगह गया हूँ मैं, वहाँ पर प्लास्टिक के दोने यूज़ करते हैं और यहाँ करते हैं पत्ते का यूज़, जो ढाक के पत्ते रहते हैं। मतलब मैं टेस्ट क्या बताऊँ आपको, आपको भीड़ देख के अंदाज़ा लग ही गया होगा कि कितनी टेस्टी इनकी कचौड़ी होगी। मेरे को भी काफ़ी टेस्टी लगी है। आपने एक बारी मेरे कहने से इनकी शॉप पर आइएगा। इनकी जो कचौड़ी का रेट है वो 10 रुपये का रहता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। और आपने 2 कचौड़ी खा लेंगे ना आपका पेट आराम से भर जाएगा, पेट भी भर जाएगा और मन भी भर जाएगा।